ठीक है ना पिताजी। और आप बड़े हो ना, आप सर बड़े हो ना, बड़े को बड़प्पन करना पड़ता है, छोटे को बदमाशी करना पड़ता है। ये आदि अनंत काल से चला आया है, तो काहे टेंशन ले रहे हो। नहीं है। भलाई कर, नदिया में डाल, मैं भी भूल गया तू भी भूल जा। 8 लाख का सामान था सर, जो 8 लाख का 96 में आ ही नहीं सकता, बेकार। मेरे पिताजी अरे रिटायरमेंट हमारी पर। भी ट्रकें चलती थी, हमें मत बताओ, झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। झूठ नहीं बोल रहा सर। मिस्टर, आप एक काम कीजिए, आप जी सर। 8 लाख का जितना है बिल बनाइए, बिल बताइए और इनवाइस बताइए, हम आपको 8 नहीं 80 लाख दिलवाएंगे। 80 लाख दिलाएंगे आज आपको। और अगर आपने हाईकोर्ट में झूठ बोला ना, तो फिर हम जानते हैं हम क्या कर भाई सकते हैं। शपथ सर। शपथ वपथ की जरूरत नहीं, आप एफिडेविट में बताइए, 80 लाख का डिटेल डॉक्यूमेंट बताइए। 8 लाख का डॉक्यूमेंट 96 का बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपकी बात। आपके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो हमें जी करने दो, और झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। कहाँ नहीं सर। से 1996 में 8 लाख रुपए अच्छे अच्छे लोग पास नहीं होते थे, हमें मत बताइए। हम भी इसी छत्तीसगढ़ के पैदा किए हुए, मैं ऐसा नहीं बोला सर। हमें मालूम है 8 लाख का सामान नहीं था आपकी दुकान में। 8 लाख का सामान किसको बोलते हैं 96 में, आज के 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू उसकी। नहीं चाह रहे हैं तो सर देना नहीं चाह रहे हैं, ये गलत है। हमने लिख के दिया है कि जो आपको मिल चुका है, पार्टीशन कोर्ट ने भी माना फाइंडिंग है, आप मिला दीजिए और आप ही बांट लीजिए। नहीं, हमको तो मिला ही नहीं है। वो दूसरे की जमीन कैसे है? दूसरे की जमीन हमको वो तो सैलरी खैर ठीक है ना, वो आप दोनों भाई ही क्या, कहाँ सर। ऐसे लड़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है? नहीं लड़ रहा सर, ये लड़ रहा है। इतना क्या लड़ाई लड़ रहे हो भाई? नहीं लड़ रहा सर। आप क्या करते हो? मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ सर, नगर निगम में सफाई कर्मचारी। और ये ये SSCL में रहे। हाँ रिटायर हो गए, कहाँ लड़ रहे हो भाई? तो फिर क्या है, हमारे इतना तमाशा क्यों हो रहा है कि एक दूसरे का घर नहीं पहचान रहे हो? आप बोलते हो ये घर इनका, ये बोलते हो मेरा घर नहीं है, क्या बंटवारा चाह रहे हो आप? इतनी डिसमिल प्रॉपर्टी थी आपकी, 9 डिसमिल ये जमीन है। करबला में पिछले ही मकान है सर, जो इनके ये बेच दिए पिछले साल। ये हमारे पिताजी मौखिक बंटवारे में इनको दिया गया था, जिनके पास उनका कुछ काम पेपर में बोल दिए थे कि मेरे को नहीं चाहिए करके, गुस्से गुस्से में कौन? तो ये लगा हुआ सरकार है। करबला में जो मकान है वो करबला जो पुराने हाईकोर्ट के पास वाला बिलासपुर जी सर। में ही है, जी सर, ये पुराने हाईकोर्ट के पास ये बेचे सर पिछले साल। इतना बड़ा था वो, 30 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट की जमीन थी सर। चार भाइयों तो पूरा बेच दिए, बेच दिए सर। 1200 नहीं सर, अपने हिस्से को बेचे अपने हिस्से का सर। बेच दिए। तो ये जो 900 जो जमीन है, देखो पिताजी की तो कितने लड़के थे, 3 लड़के 1 लड़की। एक लड़की, तीनों जी भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तीनों जी सर। को। फिर तो वहां पे करबला में कितना था, 1200 फीट, जी सर, और यहाँ पे कितना है, 9 डिसमिल सर। 9 डिसमिल है ना, तो 12 9 21 हो गया। 21 को 3 डिसमिल में बांटोगे तो कितना सर मिलेगा? क्या माँ बहन का वसीयत है सर, क्या वसीयत लगा सर। माँ वसीयत माँ को क्या मिला है, बाबू जी बांटे थे 2 2 डिसमिल सर, सबको। सब कोई को? जी सर, और बे उनका हिस्सा कहाँ गया माँ का? माँ का 2 डिसमिल, मेरा 2 डिसमिल, बहन का 2 डिसमिल, और बड़े वाले भाई को 3 डिसमिल। इनको करवाना तो मकान और दुकान जो थे सर, ऑफिस के पार्ट्स की। और एक काम करो आप लोग, कहाँ है आपका पारिवारिक सेटलमेंट, कहाँ है गुप्ता जी बताइए तो जरा, कुछ है कहे कमाल पारिवारिक पारिवारिक सेटलमेंट? नहीं, ओरल है, ओरल है। ओरल तो बहन को मिल गया उसका हिस्सा, जी सर। और माँ का हिस्सा कहाँ गया? माँ का भी मिला सर, माँ माँ बहन दोनों का वसीयत अभी है। सरवाइव कर रही है, जी सर। माँ जिंदा है? नहीं सर, खत्म हो गई 2018 में तो सर। उनका हिस्सा किसके पास गया? मेरे पास सर। तो आपके पास क्यों जाएगा, फिर तीनों भाइयों विल बचेगा? विल विल करी बता रहे। अरे रुको तो गुप्ता जी, तीनों तीनों का हिस्सा जो बंटवारा क्यों नहीं होगा, विल क्यों होगा? विल विल प्रूव हुआ क्या? नहीं, विल पे क्लेम ही नहीं किया है उसको, कोई पैसे ही नहीं है लॉटरी। भाई ये तो भाई गलत बात है, बहन का भी जो अनमेरिड थी उसका भी हिस्सा ही ले लिए। मेरिट सरवाइव कर रही है? जी शादी नहीं, शुदा उमर थी सर, उमर गई लोटी। शादीशुदा थी, बहन डेथ हो गई, लेकिन डेथ हो गई। उनका पूरा जीवन हमारे यहाँ कटा ठीक सर। है, वो तो आप अपना धर्म निभाओगे, जी सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं जी है, सर, लेकिन उस बहन के हिस्से को भी आप अपने माँ पास का रख भी लिए, हिस्सा ही। ऐसा कैसे चलेगा भाई? दोनों साथ मैं रहता था सर। ठीक है था ना, तो एक काम करो, वो जिनको कम दे दो आप ज्यादा रख लो, एडजस्ट कर सर ये तो लो। दुकान भी ले लिए है जो मेरे मेरे नाम पे खोले थे पिताजी, काहे की और दुकान मकान भी थी? ले लिया। मैं तो प्राइवेट जॉब करने वाला नहीं, हूँ काहे सर, की दुकान खोले थे? अरे ऑटो स्पेयर पार्ट्स की सर। मेरा तो 8,000 पेमेंट है सर महीने का। क्या हुआ, दैट वाज ऑन रेंट, ही वाज रनिंग दिस शॉप,
एग्रीमेंट में बोले साहब इनको दे दो, तो इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया, तो खरीद लिया ना हाँ। नहीं तो, मगर दुकान जो हमारा था, जो मटेरियल हमारा था, वो दुकान क्योंकि पार्टीशन में इनको मिल गई। आई वॉज रनिंग ऑन रेंट। अरे गुप्ता जी, इसका मतलब है ये भी कोई ठीक नहीं है। आप ये बताओ कि वो रेंट में थे, आप रेंट में थे, ठीक है, इनका सामान सहित इन्होंने खरीद लिया, ठीक है, आप रेंट का जो सामान सहित खरीदे हो तो उसका पैसा, इनके जो सामान खरीदे उसका पैसा दे दे इनको, पैसा दे दे हमारा जितना सामान लिए है, जितना सामान का पैसा दिया है। का देखो विवाद को तो खत्म किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ना सामान का पैसा दे दे। देखिए आप कितने साल पहले की बात है, 1996 का है सर, आप कैसे बात करते हो भाई, खराब। एक काम करो, रोजगार नहीं चला सकता, जो पिताजी ने दिया। अच्छा ठीक है ना पिताजी, और आप बड़े हो ना, आप बड़े हो ना, बड़े को बड़प्पन करना पड़ता है, छोटे को बदमाशी करना पड़ता है, ये आदि आनंद काल से चला आया है, तो काहे टेंशन ले रहे हो, भलाई कर, नदिया में डाल, मैं भी भूल गया तू भी भूल जा, ठीक है। हम इनके जो सामान का जो था, इनका पैसा जो भी दे दो, 2-4-5 हजार 10 हजार, क्या क्या सामान था, आठ रूपये 96 में 35,000 5-8 लाख का सामान था सर, जो 8 लाख का 96 में आ नहीं सकता, बेकार बात। मेरे पिताजी रिटायर, अरे हमारी भी ट्रकें चलती थी, हमें मत बताओ, झूठ मत बोलना, हमारे झूठ नहीं बोल रहा सर। मिस्टर आप एक काम कीजिए, आप जी सर 8 लाख का जितना है बिल बनाइए, बिल बताइए और इनवाइस बताइए, हम आपको 8 नहीं 80 लाख दिलवाएंगे, 80 लाख दिलाएंगे आज आपको, और अगर आपने हाईकोर्ट में झूठ बोला ना तो फिर हम जानते हैं क्या कर सकते हैं। शपथ सर, शपथ वपथ की जरूरत नहीं, आप एफिडेविट में बताइए, 80 लाख का डिटेल डॉक्यूमेंट बताइए, 8 लाख का डॉक्यूमेंट 96 का बता दीजिए, हम मान जाएंगे आपकी बात, बताइए एफिडेविट पे लिखो भाई, जब हम आपके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो हमें करने दो, और झूठ मत बोलना हमारे यहाँ। नहीं सर, कहाँ से 1996 में 8 लाख रुपए अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होते थे, हमें मत बताइए, हम भी इसी छत्तीसगढ़ के पैदा किए हुए, ऐसा नहीं बोला सर, हमें मालूम है 8 लाख का सामान नहीं था आपकी दुकान में, 8 लाख का सामान किसको बोलते हैं 96 में, आज का 1 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू उसकी, बिना सारी पीर की भी बातें कर रहे कोर्ट में, रिलेवेंसी होगी तो हम खुद भी एडजस्ट कर देंगे इनसे, तो ये प्रपोजल लाओ ढंग का, लॉजिकली लाइए, तो इस टाइप का मिस्टर गुप्ता आज की ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएगा ना मिस्टर गुप्ता, आई टेल यू, अगर ये ज्यादा स्मार्टनेस दिखाएंगे ना तो फिर हमें डिसाइड करना भी आता है मेरिट पे केस, फिर हमारे पास सीधे दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, आप लोन पूरी अपनी असेट्स का एफिडेविट बताइए, और आप भी बताइए, और कितना 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 शेयर था इसके हिसाब से हम डिसाइड कर देंगे केस पर, और मेरिट में जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर, और ये मकान आपको नहीं है जी, नहीं सर, एफिडेविट बताएंगे आप जी सर, और आप भी एफिडेविट देंगे, दोनों पार्टी झूठ बोलती है, देखो मैंने दी अपीलांट इन पर्सन अलोंग विद मिस्टर भगत वुड सबमिट दैट ही हैज ओपन द शॉप फॉर इज अकॉर्ड रिस्पॉन्डेंट हु इज अ यंगर ब्रदर ऑफ प्रेजेंट अपीलांट फॉर रनिंग ऑफ ऑटो पार्ट शॉप, जी ट्राई टू रिजोल्व द इश्यूज, मैं तो पहले दिन अरे नहीं गुप्ता जी, दोनों मिला दे और यही बांट दे, मैं तो ये भी कहा था। नहीं गुप्ता जी आप हमसे मत बोलाइए अभी आज, इसके लिए लिस्ट दिस केस ऑन 23rd November 102 है ना, विथ माई लॉर्ड्स परमिशन कैन आई मेक अ मेंशन।